नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ग्रह का नीच भंग होता है तथा नीच भंग होने के बाद किस प्रकार से ग्रह योग कारक बन जाता है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको नीच ग्रह तथा उच्च ग्रह के बारे में बताया था। अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं कि देखेंगे कि ग्रह का नीच भंग हुआ है या नहीं हुआ, वो कौन सी कंडीशन होती है जिनसे ग्रह का नीच भंग होता है तथा नीच भंग होने के बाद में ग्रह लाभकारी बन जाता है। आइए आपको हम उन सूत्रों के बारे में बताते हैं तथा कुछ उदाहरण के माध्यम से भी आपको सरल रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो पिछला वीडियो हमने बनाया था उसमें आपको बताया था कि किस प्रकार से आप देखेंगे ग्रह उच्च के हैं और किस प्रकार से ग्रह नीच के हैं। उसमें आपको विस्तृत रूप से हमने बताया था उच्च के बारे में और नीच के बारे में। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखिए, यहाँ पे पहले हम बात करते हैं पहले सूत्र की। पहला सूत्र जो हमारा है, हमने लिखा हुआ है इसके अंदर, आप देखिए, पहले जन्म कुंडली में ग्रह नीच का होना चाहिए। सबसे पहले ये सारी कंडीशन नीच ग्रह पे लागू होंगी। ये अगर जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच का होगा तो हम अपनी इन शर्तों को लगाएंगे। देखिए, तथा नीच नाथ और उच्च नाथ चंद्रमा से केंद्र में हो, ये हमने एक मेष लग्न की उदाहरण कुंडली लिए, उदाहरण लिया हुआ है क्योंकि पूरी कुंडली नहीं है, एकमात्र उदाहरण है। यहाँ पे देखिए, हमने सूर्य को यहाँ पे नीच का रखा हुआ है। सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। पहली बात, ये ग्रह नीच का होना चाहिए, तो हमने देखा सूर्य नीच के इस कुंडली में। अब बात है कि नीच नाथ और उच्च नाथ चंद्रमा से केंद्र में हो। नीच नाथ और उच्च नाथ, किसके नीच नाथ और किसके उच्च नाथ? नीच ग्रह के, क्योंकि यहाँ बात ही नीच ग्रह की हो रही है, बात नीच ग्रह के संदर्भ में हो रही है, तो हमें यहाँ पे नीच ग्रह के उच्च नाथ की और नीच ग्रह के नीच नाथ की बात करनी है और उसको चंद्रमा से केंद्र में रखना है। देखिए, यहाँ पे तुला राशि में सूर्य देव नीच के होते हैं, तो यहाँ पे सूर्य जिस राशि में नीच के हो उसके स्वामी नीच नाथ कहलाते हैं, सूर्य जिस राशि में उच्च के हो उसके स्वामी उच्च नाथ कहलाते हैं। सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं तो तुला राशि के स्वामी शुक्र सूर्य के लिए नीच नाथ माने जाएंगे, और सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं तो मेष राशि के स्वामी मंगल सूर्य के लिए उच्च नाथ कहे जाएंगे। तो यहाँ पे नीच नाथ हो गए शुक्र और उच्च नाथ हो गए मंगल, किसके लिए? सूर्य के लिए, क्योंकि बात किसके लिए हो रही है? सूर्य के लिए। नीच ग्रह कौन सा है? सूर्य। और नीच भंग किसका कराना है? सूर्य का। सारी बात है सूर्य के संदर्भ में। देखिए, अब यहाँ से चंद्रमा से केंद्र में, केंद्र भाव कौन से होते हैं? 1, 4, 7, 10। पहला तो 1, अब चौथा 1, 2, 3, 4, सातवां 5, 6, 7, दसवां 8, 9, 10। तो 1, 4, 7, 10, ये स्थान चंद्रमा से केंद्र स्थान कहलाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे चंद्रमा से जो हमारे नीच नाथ और उच्च नाथ है केंद्र पे होने चाहिए। अब चंद्रमा से 1, 2, 3, 4 जो मंगल है वो चौथे स्थान में है और शुक्र 5, 6, 7, 8, 9, 10 चंद्रमा से दसवें स्थान में है। तो उच्च नाथ हो गए चौथे स्थान में और नीच नाथ हो गए दसम स्थान में। तो सूर्य के उच्च नाथ और नीच नाथ चंद्रमा से केंद्र में यहाँ पे उपस्थित है, इस कारण से यहाँ सूर्य का नीच भंग हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी ग्रह के नीच नाथ उच्च नाथ के बारे में पता कर सकते हैं। हम आपको एक वृत्त में जल्दी से आपको बता देते हैं कि हर ग्रह का आप किस प्रकार से पता करेंगे। यहाँ हमने सूर्य का बताया, अब आपको आगे बताते हैं जैसे कि चंद्रमा का, क्योंकि नीच ग्रह कोई भी हो सकता, हम किसी के बारे में पता कर सकते हैं, हमें सबके बारे में पता होना चाहिए। हमने यहाँ पे मात्र एक उदाहरण लेके चल रहे हैं, आप अपने उस कुंडली में किसी के बारे में भी पता कर सकते हैं। देखिए, हर किसी का अलग अलग आपको नीच नाथ और उच्च नाथ की जानकारी होनी चाहिए, वो हम आपको बता रहे हैं। सूर्य के बारे में हम आपको बता चुके हैं, अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृषभ के स्वामी शुक्र
चंद्रमा के लिए उच्च नाक हो जाएंगे। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल चंद्रमा के लिए नीच नाक हो जाएंगे। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि के स्वामी शनिदेव शनिदेव अब यहाँ पे मंगल के लिए उच्च नाक हो जाएंगे। मंगल चार नंबर कर्क राशि के अंदर नीच के होते हैं, तो मंगल के लिए चंद्रमा नीच नाक हो जाएंगे। अब बात करते हैं बुध की। बुध बारहवें नंबर मीन राशि के अंदर नीच के होते हैं और मीन राशि के स्वामी गुरु बुध के लिए नीच नाक हो जाएंगे। और बुध छह नंबर कन्या राशि में उच्च के होते हैं, जो कि उनकी स्वयं की राशि है, स्वयं ही वो उच्च नाक हो गए। अब बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु चार नंबर राशि में उच्च के होते हैं, उच्च के और कर्क के चार नंबर राशि कर्क हो गई और कर्क के स्वामी चंद्रमा बृहस्पति के लिए उच्च नाक हो जाएंगे। बृहस्पति दसवें नंबर राशि मकर राशि में नीच के होते हैं, मकर राशि के स्वामी शनिदेव, तो यहाँ पे गुरु के लिए शनि नीच नाक हो जाएंगे। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र बारहवें नंबर राशि में उच्च के होते हैं और बारहवें नंबर राशि अर्थात मीन मीन के स्वामी गुरु शुक्र के लिए उच्च नाक हो जाएंगे। शुक्र छह नंबर में कन्या में नीच के होते हैं और कन्या के स्वामी और बुध शुक्र के लिए नीच नाक हो जाएंगे। अब बात करते हैं शनि महाराज की। शनिदेव सातवें नंबर राशि में उच्च के होते हैं, सातवें नंबर राशि अर्थात तुला, तुला के स्वामी कौन शुक्र, तो शुक्र शनिदेव के लिए उच्च नाक हो जाएंगे। और शनिदेव एक नंबर राशि मेष राशि में नीच के होते हैं, मेष के स्वामी कौन मंगल, तो शनि के लिए मंगल नीच नाक हो जाएंगे। यहाँ हमने आपको सूर्य से लेकर शनि सभी के लिए उच्च नाक और नीच नाक के बारे में बताया है। आप इस चीज को आगे इस सूत्रों में लगा के देख सकते हैं। अब हम आगे अगले सूत्र के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए दूसरा सूत्र, नीच नाक और उच्च नाक परस्पर केंद्र में हो। परस्पर केंद्र क्या होता है? परस्पर एक चार सात दस, एक दूसरे से एक चार सात दस होना परस्पर केंद्र में होना कहलाता है। यहाँ पे देखिए वही हमने एक मेष लगन का फिर से एक उदाहरण लिया है। यहाँ से हमने सूर्य को फिर नीच दिखाया है, तो सूर्य के नीच नाक कौन हो गए शुक्र और उच्च नाक कौन हो गए मंगल। तो यहाँ पे नीच नाक और उच्च नाक दोनों आपस में परस्पर केंद्र में है, मतलब कि आपस में सम सप्तम है। इसकी वजह से सूर्य का नीच भंग हो गया। अब बात करते हैं अगले सूत्र की। तीसरा, नीच राशि का स्वामी उस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो। अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल जो अगला लिया है वो कर्क लगन का लिया है। देखिए कर्क में मंगल नीच के होते हैं, फिर बोला कि उस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो कौन, उस भाव का स्वामी। अब यहाँ पे देखिए मंगल कर्क में हो गए नीच के, तो कर्क का स्वामी कौन होता है? कर्क का स्वामी होता है चंद्रमा। अगर चंद्रमा अपने इस भाव को तथा मंगल को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख ले तो मंगल का नीच भंग हो जाएगा। मंगल बैठे हुए चार नंबर में, चंद्रमा जो कि चार नंबर अर्थात कर्क के स्वामी है, इन्होंने मंगल पे दृष्टि डाली, अपनी राशि को देखा, तो यहाँ पे मंगल का नीच भंग कर दिया। आगे बात करते हैं चौथे सूत्र की। चौथा सूत्र क्या कहता है? चौथा सूत्र कहता है जहां पर ग्रह नीच का हो या जहां पर ग्रह नीच का हो रहा हो वहां पर उच्च का ग्रह साथ बैठ जाए। फिर एक एग्जाम्पल जो अगला उदाहरण है वो कर्क लगन का ही लिया है। यहाँ पे कर्क में आपको पता है मंगल नीच के होते हैं और कर्क लगन में उच्च के कौन होते हैं? कर्क लगन में उच्च के होते हैं गुरु अर्थात बृहस्पति। अगर मंगल के साथ में गुरु बैठ जाए, क्योंकि गुरु कर्क में उच्च के होते हैं, इस सूत्र के आधार पे अगर हम बात करें तो मंगल के साथ में अगर गुरु बैठ जाए तो यहाँ पे मंगल का नीच भंग गुरु के द्वारा हो जाएगा, क्योंकि कर्क राशि जो है गुरु की उच्च राशि है। अब आगे हम पांचवें अपने सूत्र की बात करते हैं। जिस राशि में ग्रह नीच का हो उस राशि का स्वामी साथ बैठ जाए। हमने फिर से
कर्क लग्न का एक और एग्जाम्पल लिया है। कर्क में आपको पता है मंगल नीच के होते हैं और कर्क लग्न जो कर्क राशि का स्वामी कौन है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। अगर मंगल के साथ में चंद्रमा साथ बैठ जाए तो चंद्रमा के द्वारा मंगल का नीच भंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मंगल चार नंबर में बैठे हैं और चार नंबर के स्वामी अर्थात कर्क के स्वामी चंद्रमा मंगल के साथ में बैठे हुए हैं, चंद्रमा के कारण से मंगल का नीच भंग हो गया। ये हमने कुछ उदाहरण आपको बताए, देखिए ये एक उदाहरण है, आप इनको किसी भी लग्न या किसी पे नीच ग्रह पे लगा के देख सकते हैं। हमने केवल आपको जो सूत्र है एग्जाम्पल से जो सूत्र है वो नियम है, नियम बताए, इस नियम को आप किसी भी ग्रह पे लगा के देख सकते हैं। नियम यही है, लगा के आप किसी ग्रह पे किसी भी ग्रह पे देख के मतलब अपनी कुंडली में ये जांच सकते हैं कि आपकी ग्रह में आपकी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह नीच का है तथा उसका नीच भंग हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि जब तक ग्रह नीच का है तो उसके अंदर अशुभता है और वो अपने पीरियड में अशुभ परिणाम देगा। जब ग्रह का अगर नीच भंग हो गया तो उसकी अशुभता जिस ग्रह ने अगर नीच भंग किया है उसने खत्म कर दिया है तो वो अपनी दशा दशा में आपके लिए शुभकारी या अच्छा परिणामदायक साबित हो जाएगा। इसी को कहते हैं नीच भंग राजयोग की ग्रह नीच का था परंतु किसी वजह से जो ये सूत्र दिए उनकी वजह से और विशेष स्थिति की वजह से उसका नीच भंग हुआ और वो अच्छा परिणामदायक आपके लिए साबित हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी चर्चा को आगे बढ़ाया, पहले आपको नीच ग्रह के बारे में, उच्च ग्रह के बारे में, फिर नीच ग्रह कैसे अच्छे परिणाम दे सकता है उसके बारे में हमने इस वीडियो में आपको बताया। तो कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम आपको ये बताएं कि नीच ग्रह कब ज्यादा अशुभ परिणाम दायक हो सकता है, यहाँ तो शुभदायक हो गया, कब ज्यादा शुभदायक हो सकता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।